हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो में हम विजय थलपति सर की कंप्लीट आउटलाइन में सेटिंग करके दिखाने वाले हैं। एंड गाइज, इससे पहले हमने पार्ट वन में स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन को ड्रॉ करके दिखाया था। गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक आउटलाइन की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग पहले अच्छी तरीके से आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना। तो गाइज, इस वीडियो में हम आउटलाइन में कम्प्लीट सेटिंग करके दिखाने वाले हैं, तो चलो गाइज वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहले जो मैंने पार्ट वन में आउटलाइन को ड्रॉ करके दिखाया था तो थोड़ी ज़्यादा डार्क है, तो मैं पहले उसे सिंपली कंप्लीट आउटलाइंस को नीडेड इरेजर का यूज करके एक्स्ट्रा ग्रेफाइट को इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद अब मैंने सिंपली रेफरेंस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया है। एंड गाइज, रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली फर्स्ट लेयर को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल विद HB ग्रेड की लीड से कम्प्लीट पार्ट में शेड कर रहा हूँ। एंड गाइज, मैं यहाँ पर शेड करने के लिए HB ग्रेड की पेंसिल का भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन गाइज HB ग्रेड की पेंसिल को बार बार शार्प करना पड़ता है, इसीलिए मैं यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल का यूज करके कंप्लीट पार्ट में फर्स्ट लेयर को अप्लाई कर रहा हूँ। इसी के साथ गाइज, रेफरेंस फोटो में जहां पर भी मुझे थोड़े ज्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं, मैं सिंपली वहां पर मैकेनिकल पेंसिल का यूज करके थोड़ा प्रेशर देके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइज, जहां पर भी एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज है, मैं उन हाईलाइट एरियाज को छोड़कर या एकदम बिल्कुल हल्के हाथों से एकदम स्लोली स्लोली ही शेड कर रहा हूँ। मैकेनिकल पेंसिल से कंप्लीट पार्ट में शेड कर लेने के बाद अब मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट पार्ट में हल्के हाथों से ब्लेंड कर लूंगा। कंप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मैं सिंपली कंप्लीट ड्राइंग में सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली रेफरेंस फोटो में डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली आर्ट लाइन की 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइस, जहां पर भी पहले मैंने मैकेनिकल पेंसिल का यूज करके थोड़ा प्रेशर देके शेड किया था, अब मैं सिंपली वहां पर आर्ट लाइन की 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइज, 4B ग्रेड की पेंसिल से भी कंप्लीट पार्ट में सेट कर लेने के बाद अब मैं सिंपली पहले की तरह ही मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट पार्ट में हल्के हाथों से ब्लेंड कर ले रहा हूँ।
इसके बाद गाइस रेफरेंस फोटो में जहाँ पर भी और ज़्यादा डार्क एरियाज हैं, अब मैं सिंपली वहाँ पर आर्ट लाइन की 6B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करके इसे भी मैं पहले की तरह ही मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट पार्ट में ब्लेंड कर लूंगा। कंप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मैं रेफरेंस फोटो में हाईलाइट एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली नीडेड इरेजर एंड टोम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर रहा हूँ।